कराटे। रामपेट नाम के गांव में मंगेश नाम का व्यक्ति रहता था। वो चाइना से कराटे सीखकर आया था। उस गांव के बच्चों को वो कराटे सिखाते हुए जीवन व्यतीत कर रहा था। वो अपने हाथों को हिलाते हुए हू हा हू हा इसी तरह जोर से हाथ को घुमाते हुए हू हा हू हा करता तो दूर पड़े ग्लास टूट जाते थे। उसकी प्रतिभा को देखकर बच्चे ही नहीं बड़े भी ताली बजाते थे। कुछ सालों बाद वो बूढ़ा हो गया। उस गांव में एक नया पहलवान आया। उसका नाम था भीम बॉय। मंगेश के पड़ोस में किराए पर रहने लगा। वो बहुत बलवान था। पर बहुत अहंकारी भी था। कमर को रस्सी से बांधकर बस को खींचता था। बाइक को दो हाथों से उठा लेता था। ऐसे कई बल का प्रदर्शन करता था। उसे देख गांव के लोग ताली बजाते थे। उसने कई पुरस्कार भी जीते। एक दिन घर के बाहर बैठकर केले का ढेर अपने पास रखकर एक एक केला खाकर छिलके को रोड पर फेंकने लगा। ये देख मंगेश एक एक छिलके को उठाकर टोकरी में डालने लगा। ए बूढ़े, तुम्हें और कोई काम नहीं है, तुम क्यों उठा रहे हो? यूं छिलके रोड पर फेंकना गलत है बेटा, तुम्हें बोलूंगा तो तुम नाराज हो जाओगे। झगड़ा क्यों करना है सोचकर मैं ही उठा रहा हूं। ये गलत सही क्या कह रहे हो, चुपचाप छिलके सड़क पर फेंक दो, वे मेरे छिलके हैं। छिलके तुम्हारे हैं तो घर में रखो, किसने रोका है? रोड पर फेंकोगे तो कैसे चलेगा? कोई फिसल गया तो बच्चे देखेंगे तो वो भी ये गलत आदतें सीखेंगे, क्या तुम ये भी नहीं जानते? वैसे छिलके उठाया तो तुम्हारा क्या नुकसान है? क्यों बे, ज्यादा बोल रहा है, इतना सा है, उठाकर फेंका तो कहाँ गिरेगा पता नहीं। चींटी भी छोटी होती है लेकिन 10 गुना वजन उठाती है। सामने वाले को नीचा दिखाना संस्कार नहीं है। ये सुनकर भीम भाई भड़क गया। क्या है बे, जबान चलाता है और जवाब देता है, मसल दूंगा, समझता क्या है अपने आप को, कहकर उसकी ओर बढ़ने लगा। तब मंगेश ने एक केले के छिलके को रोड पर फेंका। उसने उस पर पैर रखा और फिसलकर उछलकर जा गिरा। ये देख लोग हंसने लगे। भीम भाई उठकर फिर मुड़कर आगे बढ़ने वाला था। रुको, हम दोनों में कौन बलवान है यही देखना है, यही ना? यहाँ लोग कम हैं, कल गांव के बीच में हम अपने बल का प्रदर्शन करेंगे, तब सारा गांव देखेगा, ठीक है? हाँ मंगेश सही कह रहा है, कल चौपाल के पास सारा गांव आएगा, वहाँ तुम्हारा मुकाबला होगा तो अच्छा होगा। तब सारे लोग हाँ यही ठीक है कहकर चिल्लाने लगे। तब भीम भाई ने भी ठीक है कहकर सर हिलाया। यूँ अगले दिन गाँव के बीच में सारे लोग जमा हो गए। वहाँ एक टेबल पर 10 ईंटों को रखा था। तुम मुझसे बलवान हो ना, इन ईंटों को तोड़कर दिखाओ। पहले बाएं हाथ से मारा, वे टूटे नहीं। बाद में दाहिने हाथ से जोर से मारा, हाथ दर्द हुआ तो मलने लगा। ये देख सारे लोग हंसने लगे। फिर गुस्से से दोनों हाथ से जोर से मारा, उससे हाथ दर्द हुआ तो हाय हाथ दर्द हो रहा है कहकर चिल्लाने लगा। तब मंगेश ने एक ही मार में उनके टुकड़े कर दिया। ये देख लोग ताली बजाने लगे। देखो भीम भाई, अभी ना मैं जीता ना तुम हारे, जो हुनर हमने सीखा है उसे 4 लोगों को सिखाना चाहिए, ना कि घमंडी होकर अकड़ दिखाना चाहिए। तुम्हारा बल तुम्हारा है, मेरा बल मेरा। तुम वजन उठा सकते हो पर वस्तुओं को तोड़ नहीं सकते, पर मैं तुम्हारी तरह वजन नहीं उठा सकता। अपनी अपनी काबिलियत है, मैं आशा करता हूँ कि तुम मेरी बात को समझ कर बदलोगे। तब से भीम भाई में बदलाव आया और वो अपने हुनर बच्चों को सिखाने लगा।